गुड मॉर्निंग महादेव सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग महादेव सिंह, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेवन वालों के लिए एक्सरसाइज 4.2 में आज हम आगे बढ़े महादेव सिंह मैथ्स में। इसके पहले के सारे क्वेश्चन लग गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं विषय आई क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए चौथा नंबर हमें प्रोपोर्शनल यहाँ ज्ञात करना, तो मान लीजिए लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो प्रोपोर्शनल का मतलब इन दोनों का रेशियो जो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा, यानी मैथमेटिकली लिख सकते हैं 8:12 डबल रेशियो 16:x। तो 8/12 इक्वल टू 60/s। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके ऊपर का इसके नीचे में से, 8 × x 8x 12 × 60। एक्स इंटू करेंगे तो 8 इसके अपान में जाएगा, क्योंकि आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। इंटू गया इधर डिवीजन, डिवीजन गया इंटू, प्लस गया माइनस वन, ठीक है। 8 × 16 पहले काट लेंगे तो ईजी, नहीं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे तब डिवाइड करेंगे, लेकिन काट के करेंगे तो ईजी हो जाएगा। ओके मैं 8 × 16 12 × 20 आ गया सर। तो 4 प्रोपोर्शनल क्या होगा, x बराबर 24। आई अब क्वेश्चन नंबर b की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर b भी है, 4 प्रोपोर्शनल मान लीजिए x है, तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इतना पर इतना बराबर इतना पर, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करी x बराबर 8 × 7/4 4 × 7 = 14। तो 4 प्रोपोर्शनल x बराबर क्या होगा 14। आई क्वेश्चन नंबर बाकी सीडी पार्ट होमवर्क सेम टू सेम कर लीजिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द थर्ड रूल। अब यह देखिए जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें तो यहाँ पे ये रूल लगेगा, बीच वाले का जो स्क्वायर होगा किनारे वाले के इंटू के बराबर। तो एक्स 4² बराबर 8 × x, एक्स बराबर 4 × 4 = 60/8 तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा 2। तो जब तीन नंबर हो तो ये वाला रूल लगाएंगे, इसका स्क्वायर इनके इंटू के बराबर होगा। अगर चार नंबर होगा तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के बराबर होगा। ओके मैं तो आइए इसी तरह बी पार्ट भी सेम टू सेम है। लेट 2 8x आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन, 8² 22x 64.2 32। ओके मैं इसी तरह बाकी सी डी पार्ट होमवर्क कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू नंबर इतना। तो मान लीजिए इन सभी में हम लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, कि एक्स हम सभी में जोड़ेंगे तो प्रोपोर्शनल होंगी। तो प्रोपोर्शनल का कैसे, इतना रेशियो इतना, डबल रेशियो इतना इतना, तो इतना पान इतना बराबर इतना पान इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना सीख चुके हैं। इसका इन दोनों का कैसे करते हैं, 1 का इन दोनों करेंगे 18+ है, फिर x का इन दोनों में करेंगे 18x+x², फिर 10 का इसमें करेंगे 30+ है, फिर x का इन दोनों में करेंगे 3x। और आप सीख चुके हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब वेरिएबल हम दोनों को प्लस कर लीजिए, x² देखिए कट गया, यू नो हाउ। और आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं, वेरिएबल वेरिएबल कट गया सेम, 18x 19x और 10 13 13x 19। अब वेरिएबल एक तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ, 19 − 13x 18 उधर गया 12, 6 = 12/6 2 x = 2। तो रिक्वायर्ड नंबर 2 बी एडेड माइनस x = 2। ओके मैं इस तरह से जितना क्वेश्चन मैंने रफ पे कराते इसे फेयर पे आप कंप्लीट करते चलेगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह होमवर्क बुक से लगाएंगे, और जिनके पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाए उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके मैडम तो लीजिए मैडम एक्सरसाइज 4.2 का मैंने 5वीं का ए बी बता दिया, सी डी होमवर्क कर लीजिएगा। ओके मैडम चौथे का 5वीं का भी मैंने ए बी बता दिया, इसी तरह सी डी पार्ट होमवर्क कर लीजिएगा। ओके मैडम और छठवें भी मैंने बताया। अब सातवां देखिए मैंने सातवां आठवां नौवां तो सेम टू सेम इसी तरह है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक्स मान के और जैसे जैसे करा वैसे वैसे करिए, तो आपका सेम टू सेम आगे क्वेश्चन होमवर्क लग जाना चाहिए सेम टू सेम। और इसी साथ आज आपका एक्सरसाइज 4.2 भी मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन एक्स मानना है और जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, कर लीजिएगा। और इसी साथ आज आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया और नेक्स्ट टर्म में हम आपसे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ओके मैं एडवांस होमवर्क दे रहे 4.3 का लगाएगा, लगाने कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट टाइप में हमसे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट करेंगे। ओके मैसे और एक्सरसाइज 4.2 का और एक्सरसाइज 4.2 के बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, रब पे जो उतार लिख दिया हूँ आप फेयर पे उतार लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होगा मैं डालू, जिनके पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन मैं बुक से करेंगे, और जिनके पास बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके मैं और इसी के साथ आज आपका एक्सरसाइज 4.2 खत्म होता है और नेक्स्ट मैम आपसे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ओके मैं और कोई भी डाउट होगा तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ओके मैं गुड मॉर्निंग विश यू ऑल बेस्ट विद नेक्स्ट 4.3 एंड वंस अगेन चेंज।